हेलो दोस्तों दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया ईटीएफ लेकर आया है, एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि ईटीएफ क्या होता है, हेल्थ केयर इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि किन इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किन इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि न्यू फंड ऑफर के जो पीरियड है वो खत्म होने के बाद भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो ये ईटीएफ जो है वो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में पैसिवली अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में 20 कंपनीज अभी मौजूद हैं, ये पैसिवली उसमें इन्वेस्ट करेंगे। पैसिवली इन्वेस्ट करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो फंड मैनेजर है वो अपना कोई दिमाग लगाकर कंपनीज को परचेज और सेल नहीं करेगा। जिस रेशो में ये निफ्टी हेल्थ केयर में कंपनीज होगी उसी प्रोपोर्शन में ये अपने इंडेक्स में अपने पोर्टफोलियो में भी उसको ऐड कर लेंगे। अब अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क की, तो निफ्टी हेल्थ केयर TRI के इसकी जो रिटर्न है उसको फॉलो किया जाएगा। और अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर हम NFO पीरियड की यहाँ पर बात करते हैं, तो अप्रैल 30 से ये NFO पीरियड शुरू हो चुका है और 10 मई तक यहाँ पर ये NFO ओपन रहने वाला है। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं हम दो चीज़ें यहाँ पर। पहली कि ETF क्या होता है स्पेसिफिकली, और ETF इंडेक्स फंड से कैसे अलग होता है, और फिर हम देखेंगे हेल्थ केयर इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते क्या हैं और इसको आप कैसे बाई कर सकते हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोस्तों एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज हो जाती है जो हम एक्सचेंज पे परचेज करते हैं, जैसे कि हम स्टॉक को भी परचेज करते हैं। बस ये होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि ये कैसे डिफरेंट होता है आपके म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो दोस्तों पूरा दिन परचेज सेल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ETF होता है उसको आप पूरा दिन सेकेंडरी मार्केट यानी कि ब्रोकर के थ्रू परचेज सेल कर सकते हैं, और उसका जो प्राइस है वो भी पूरा दिन फ्लक्चुएट होता है। हालांकि जो म्यूचुअल फंड होता है एंड पे डिसाइड होती है और आप पूरा दिन उसको परचेज सेल नहीं कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर दूसरी बात करें तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसको आप डायरेक्टली AMC से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो ETF होता है वो सिर्फ और सिर्फ आप ब्रोकर के थ्रू ही परचेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक ब्रोकर का अकाउंट होना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब आइए दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं हम हेल्थ केयर इंडेक्स क्या है जो निफ्टी का है। तो हेल्थ केयर इंडेक्स में दोस्तों 4 चीज़ें कवर हो जाती हैं, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ड्रग मैन्युफैक्चरर और क्लिनिक एंड रिसर्च वाली जितनी भी कंपनीज होती हैं वो। हॉस्पिटल्स में आपका अपोलो हॉस्पिटल वगैरह आ गया, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आपके जो लैब्स हैं अलग अलग वो यहाँ पर कवर हो जाती है, डॉक्टर लाल पैथ लैब वगैरह। ड्रग मैन्युफैक्चरर में आपका सन फार्मा और ऐसी कंपनीज यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो ये 4 टाइप की जो कंपनीज हैं वो हेल्थ केयर इंडेक्स में यहाँ पर कवर होती है। अब अगर हम फर्दर बात करें यहाँ पर हेल्थ केयर कंपनीज के बारे में, तो हेल्थ केयर इंडेक्स जो है वो आपका 18 नवंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, लेकिन जो इसकी बेस डेट ली गई थी वो अप्रैल 1 2005 की ली गई थी। और ये जो इंडेक्स है ये सेमी एनुअल बेसिस पे रीबैलेंस किया जाता है, और इस इंडेक्स में 20 कंपनीज मौजूद रहती हैं। और अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों की अगर हम CAGR रिटर्न देखते हैं तो वो 5.69% की आई है एज ऑन 30 अप्रैल। और यहाँ पर अगर हम अब बात करते हैं इसकी एग्जिट लोड पे, तो अगर आप एक्सिस हेल्थ केयर के ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। वहीं अगर अब दोस्तों हम बात करते हैं कि टॉप 10 कंपनीज निफ्टी हेल्थ केयर में कौन सी है, तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है सन फार्मा का, जिसमें 15.22% का एलोकेशन है। वहीं डॉक्टर रेडी लैब्स में 13.5% और डिविज लैब में 11.15%, वहीं सिप्ला में भी 10% और अपोलो हॉस्पिटल में 7% के आसपास एलोकेशन है। वहीं औरबिंदो फार्मा, लुपिन, लॉरस लैब्स, बायोकॉन और कैडिला हेल्थ केयर जैसी कंपनीज भी टॉप 10 कंपनीज में शामिल है। तो टोटल 20 कंपनीज में से यहाँ पर ये 10 कंपनीज जो हैं वो निफ्टी हेल्थ केयर में शामिल हैं। दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इंडेक्स जो निफ्टी का है वो 2 निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स हैं, एक निफ्टी हेल्थ केयर है और एक निफ्टी फार्मा इंडेक्स है। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि आप निफ्टी हेल्थ केयर में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में नहीं कर रहे हो। अब आइए दोस्तों एक बारी बात कर लेते हैं कि किन इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला ETF ये NFO सही है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये सुटेबल है, तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए
सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 5 से ज़्यादा सालों के लिए जो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो सोच सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखनी है कि इस ETF में इन्वेस्ट करने में आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो वेरी हाई रिस्क एपेटाइट होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन कम है, सिर्फ 20 कंपनीज है जो इसके हेल्थ केयर इंडेक्स में शामिल है, तो यानी कि कम कंपनीज है। और दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि ये हेल्थ केयर सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर आगे जाके हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा नहीं करता है तो ये फंड एक साथ गिरेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो वेरी हाई है। और तीसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान रखनी है कि आप लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हेल्थ केयर पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों को नॉलेज है, आपको पता है फ्यूचर में क्या होना है, तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। अब कौन से इन्वेस्टर्स के लिए ये सुटेबल नहीं है? उन इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है बिल्कुल सुटेबल नहीं है। और दूसरा, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लो या मीडियम रिस्क एपेटाइट रखते हैं, जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचे। और तीसरी चीज़, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपने अभी अभी मार्केट में शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए सेक्टोरल फंड्स या ETF नहीं बने हैं। आप लोग लार्ज कैप कंपनी से या Nifty 50 के इंडेक्स टाइप से ही शुरुआत करें। हेल्थ केयर इंडेक्स में आपको, मैं नहीं समझता कि आपको इन्वेस्ट करके शुरुआत करनी चाहिए, चाहे ये कितनी भी अच्छी रिटर्न दे। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको अभी भी इस ETF में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा। धन्यवाद।